नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे कि महिलाओं में ब्रेस्ट पेन क्यों होता है और आप किन घरेलू उपायों को अपना करके ब्रेस्ट पेन से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, कभी कभार कई महिलाओं में मासिक धर्म आने से कुछ हफ्ते पहले ब्रेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। इस दर्द को साइक्लिकल मास्टलेजिया कहते हैं। यह दर्द अधिकतर मामलों में स्तनों के ऊपर और बाहरी क्षेत्र में होता है। दर्द के साथ ही ब्रेस्ट में सूजन और कड़ापन भी देखने को मिलता है। आज हम आपको इस ब्रेस्ट पेन से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ उपाय बताएंगे, जिससे आपको मासिक धर्म शुरू होने के कुछ हफ्ते पहले शुरू कर देना होगा। नंबर एक, आइस पैक। ब्रेस्ट पेन में छुटकारा पाने के लिए आप आइस पैक का भी प्रयोग कर सकती हैं। ठंडा तापमान सूजन और दर्द को काफी कम कर देगा। आपको आइस पैक 10 मिनट तक लगा के रखना होगा। मसाज। खुद से ही ब्रेस्ट पे मसाज करने से सूजन में राहत मिलेगी। इसके लिए आप 2 चम्मच गरम जैतून का तेल और कुछ बूंदे कपूर के तेल को मिक्स करके ब्रेस्ट में दिन में 1 से 2 बार मसाज करें। सौ। माहवारी आने से पहले अगर ब्रेस्ट में पेन शुरू हो जाए, तब आप 1 चम्मच सौंफ को 1 कप गर्म पानी में डालकर 10 मिनट तक ढक कर रख दें। फिर इसे छान कर दिन में कई बार चाय के रूप में पिए। आप चाहे तो कई बार सौंफ को चबा करके भी खा सकते हैं। यह फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करता है और शरीर में गंदगी जमा नहीं होने देता। विटामिन ई। यह शरीर में हो रहे हार्मोन चेंज को बैलेंस करने में मदद करती है, जिससे ब्रेस्ट पेन धीमा पड़ जाता है। इसके लिए आप विटामिन ई का कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या विटामिन ई युक्त आहार ले सकते हैं, जैसे सूरजमुखी के बीज, बादाम, जैतून तेल, पालक, एवोकाडो, बीटरूट आदि का सेवन कर सकते हैं। मैग्नीशियम। आपको ऐसे आहार खाना चाहिए जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक हो, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी, सोया बीन्स, एवोकाडो, केला, फिर डार्क चॉकलेट। तो दोस्तों, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको ब्रेस्ट पेन से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। मासिक धर्म के समय होने वाले ब्रेस्ट पेन से भी छुटकारा मिल जाएगा। और अगर ऐसे में भी आपको ब्रेस्ट पेन रहती है किसी कारण से, तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी।